हेलो फ्रेंड्स, मैं इस समय पर मौजूद हूँ अहमदाबाद के गांधी आश्रम में, जिसे साबरमती आश्रम भी कहते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह पूरा आश्रम ही है। तो आज मैं आपको इस आश्रम से जुड़ी कुछ जानकारी दूंगा और इस आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं गांधी जी के टाइम की, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम में। अब हम आ चुके हैं गांधी जी के आश्रम में, साबरमती आश्रम में, जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। और अंदर जाकर देखते हैं कि गांधी जी का आश्रम कैसा था। और आप इस पे देख सकते हैं, इसके चारों तरफ बहुत गार्डन है, हरियाली है यहाँ पर, और बहुत ही काफ़ी शांत मतलब लग रहा है अंदर, चिड़ियों की चहचहाहट और बड़ा शांत अनुभव यहाँ पर हो रहा है मेरे को। तो फ्रेंड्स चलिए अंदर की तरफ चलते हैं अब। और ये है साबरमती आश्रम का मेन अट्रैक्शन, जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे। ये उनका घर है और जो सभाएं होती थीं वो इसी घर के अंदर होती थीं। फ्रेंड्स अभी मैं जो मौजूद हूँ इस समय पर गांधी जी की मेन जो आश्रम जहाँ पे वो रहा करते थे, उस जगह पर मौजूद हूँ। और आप देखिए मेरे साथ में भैया हैं और मैं इनसे चलिए पूछता हूँ कि जो यहाँ पर गांधी जी मतलब कैसे रहते थे और क्या क्या यहाँ की खास बातें हैं। भैया मतलब बताइए कुछ यहाँ पर इस जगह के बारे में। साउथ अफ्रीका से जब वापस आए तो पहला आश्रम कोचरब, वहाँ 2 साल भाड़े पे ठहरे, तो वहाँ प्लेग का रोग चला, इसलिए गांधी जी ने ये जगह पसंद किया था। तो यहाँ 15 में आ गए थे, 1915 में। 17 में चंपारण के लिए निकल गए, 18 में आए थे, वो मकान हो गया था जी। ये मकान की डिजाइन इनके पति जी थे, मगनलाल गांधी जी। तो यहाँ 12 साल ठहरे थे, 1918 से 1930 तक, इसलिए काका साहब काले के लिए इसका नाम जदेगिन दिया। ओके, और यहाँ पर मतलब और जी राष्ट्रीय नेता मिलने के लिए बॉन्ड से महात्मा बने यहाँ से, तो दांडी कुटी की शुरुआत यहाँ से हुई थी। इसलिए दांडी कुटी यहाँ से शुरुआत हुआ था। अच्छा अच्छा, नमक का आंदोलन जी, नमक का आंदोलन। तब प्रतिमा लेके निकले, देश आजाद होगा तो वापस आऊंगा, लेकिन करारी में धरपकड़ हो गई, तो 5 साल के लिए आका खान चले थे बंद कर। अच्छा, तो वहाँ कस्तूरबा माता पे की डेट में जी, तो गांधी जी को 2 साल पहले छोड़ दिया था वहाँ पे जी। तो सेवाग्राम में चले गए थे जी, सेवाग्राम में उन्होंने खुद बनाया आश्रम है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है, ये इनके पति जी की डिजाइन जी। इसके बाद वो बम्बई चले गए, मणि भवन जी, 44 में दिल्ली गए जी, 47 में आज़ादी मिली तब कलकत्ते में था गांधी जी, वहाँ कोमीराम का फटा हुआ था जी जी। 47 में जब वापस आए तो नाथुराम गोडसे ने गोली लगाया बिरला हाउस में जी। तो यहाँ से जो कुछ किया देश के लिए यहाँ से शुरुआत हुआ था जी। तो एक बैठक रूम था इनका, और यहाँ पर लोग बैठ के मिले, ये ओरिजिनल है सब, चरखा है, टेबल है, सब ओरिजिनल है, ये तो पूरा मकान ओरिजिनल है, इसमें सिर्फ व्हाइट और सब कलरिंग हुआ है। ओके, अभी अभी वीआईपी आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रम्प जी, डोनाल्ड ट्रम्प आए थे यहाँ पर, पहले चाइना का प्रेसिडेंट हाँ, शी जिनपिंग आए थे यहाँ पर, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, मंडेला, ओबामा, इसराइल वाले आके गए जी, यहाँ विजिट करके। ओके, तो अंदर किचन था जी, और एक विनोबा कुटीर मीरा कुटीर है। अच्छा, विनोबा भावे 18 से 21 तक थे। विनोबा भावे अच्छा अच्छा, वो कुटीर बगल में ही है, बगल वाली। अच्छा अच्छा, में रोमारोला का पुस्तक पर एक लड़की आई थी, कुमारी मेडलिस्ट लेकर के, अंग्रेज लड़की जी जी, वो 25 से 33 तक थे। ओके, तो इसका नाम गांधी जी ने मीरा दिया हुआ था, मीरा दिया था। अच्छा अच्छा, और नमक कानून तोड़ने के लिए यहाँ से निकले थे, खुला मैदान है वहाँ से जी। इसके बाद आगे नंदिनी के आश्रम में गांधी जी को यहाँ मिलने के लिए आते थे, वहाँ ठहरा हुआ करते थे जी। इसके आगे मगन निवास है, तो गांधी जी के 5 मकान गांधी जी के समय के। ओके, मगन निवास जी, हृदय कुंड, विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर, नंदिनी के तुम आगे उद्योग मंदिर है जी जी, वो म्यूजियम नया बना हुआ है। ये रसोई घर था, तो 40 लोग का खाना यह हुआ कल। उनचालीस लोग यहाँ रहते थे, 39 यहाँ बना हुआ करते थे गांधी जी के समय जी।
तो एक मटके रखने के लिए जी ओरिजिनल या चूल्हे के लकड़ी के रसोई बना हुआ करते थे जी, और ऐसे यूज करते थे गांधी जी, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। ओके, ये ओरिजिनल दिल्ली म्यूजियम है, पर ऐसे चिनाई मिट्टी और लकड़ी का यूज जी जी जी। इसके बाद वो दिल्ली में जब हत्या हुई तो इसमें अस्थि लाए हुए थे साबरमती में विसर्जन करने के लिए जी, और एक तरफा गांधी जी को भेंट मिला हुआ था। कहाँ से? वो यहाँ से भेंट मिला हुआ था एक तरफा। अच्छा अच्छा, और जी। इसमें जयप्रकाश नारायण की अस्थि लाए हुए थे। ओके, ये वाला ओरिजिनल जयप्रकाश नारायण। ये स्टोर रूम था इनका, स्टोर रूम एक अस्थि वाला कमरा था ये वाला, और एक गेस्ट रूम था जो लेडीज लोग सब वहाँ ठहरा हुआ करते थे, तो कमरे के। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये कस्तूरबा गांधी जी का कमरा था, ये वाला सामने वाला, और जो ये वाला जो था वो गेस्ट रूम था, जो भी इनसे मिलने आया करता था तो वो इस जगह पर रुका करता था गांधी जी से मिलने के लिए जो भी आता था। तो और जेंट्स लोग सामने वाली बिल्डिंग में नंदिनी गेस्ट रूम के, और जो बाकी लोग जेंट्स हुआ करते थे वो इसके पीछे वाली एक और बिल्डिंग है नंदी निकेतन करके, वो वहाँ रुका करते थे। आपने देखा भैया ने हमको इतनी सारी जानकारी दी यहाँ पर, और जो मेन आज़ादी की लड़ाई थी वो यहीं से शुरू हुई थी, और यहाँ पे कई बड़े बड़े राजनेता इकट्ठे हुए थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कई बड़े बड़े नेताजी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ऐसे बड़े बड़े नेता इसी कमरे में इकट्ठे हुए थे। फ्रेंड्स, ये आश्रम साबरमती रिवर के जस्ट बगल में ही है, और आप इस आश्रम से साबरमती रिवर को भी देख सकते हैं, यहाँ से पूरा रिवर फ्रंट बना हुआ है साबरमती का। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसको बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.